जय माता दी। देवी प्रपन्ना रतिहरे प्रसीदा, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात हे देवी माँ, आप शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली हो, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवी माँ, आप संपूर्ण जगत की माता हो, हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी माँ, आप ही इस चराचर जगत की अधीश्वरी हो, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माँ भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में से 8वां स्वरूप माँ महागौरी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती महागौरी वृषभ के पीठ पर विराजमान हैं, उनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट सुशोभित है। माँ महागौरी मणिकांति मणि के समान कांति वाली, इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाई ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा में त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा बाई ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में हैं। इनके कानों में रत्नजड़ित कुंडल झिलमिलाते हैं। ऐसी हैं भगवती महागौरी। माँ महागौरी को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़, नैवेद्य, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग तथा नारियल इत्यादि अर्पित किया जाता है तथा 16 श्रृंगार के साथ साथ माता को सुंदर व सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करके आरती की जाती है। माँ महागौरी का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रा अर्धकृत शेखराम, सिंह रूढ़ाम चर्तुभुजा महागौरी यशस्वनी, पुनेन्दु निभाम गौरी सोम वक्र स्थिताम अष्टम दुर्गा त्रिनेत्राम, वराभीत कराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजें, पटाम्बर परिधानाम गृदु हास्याम नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर किंकिनिरत्न कुंडल मंडिताम, प्रफुल्ल वदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम चैवोक्य मोहनी, कमनियाम लावण्याम मृणालाम चंदन गंध लिप्ता। माँ महागौरी का वंदन इस स्तोत्र से करना चाहिए। सर्व संकट हंत्री त्वम ही, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, ज्ञानदा चतुर्वेद मई महागौरी प्रण माम्यहम, सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी, डमरु वाघ प्रिया अघा महागौरी प्रण माम्यहम, त्रैलोक्य मंगला त्वम ही ताप त्रय प्रण माम्यहम, वरदा चैतन्यमयी महागौरी प्रण माम्यहम। माँ महागौरी का पाठ इस कवच से करना चाहिए। ओंकार पातु शीर्षो माम हीम बीजम माम हृदयो, क्लीम बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादियो, ललाट कर्णो हूम बीजम पात महागौरी माम नेत्र घ्राणो, कपोल चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्व वदनो। इस प्रकार माँ महागौरी के पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे काफी समय से चले आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होती है और आर्थिक समृद्धि आती है। अपने भक्तों के लिए माँ महागौरी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं जो लोग किसी कारणवश पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते हैं, वे केवल अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महागौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो यह थी नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है
तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।